पढ़ाई से पक चुके हों या फिर ऑफिस के काम से थक चुके हों, चाय एक ऐसी मर्ज है, एक ऐसी दवाई है जो आपको कभी भी फ्रेश कर देती है। हाय गाइस, मैं हूं अंकित और आज हम आए हैं पब्लिक रिव्यू लेने चाय के ऊपर, क्योंकि इस 15 दिसंबर को है इंटरनेशनल टी डे यानी कि चाय दिवस। तो हमने सोचा कि क्यों ना लोगों से जान ले कि आखिरकार चाय क्यों पसंद है उन्हें। आपको पता है 15 दिसंबर को नेशनल टी डे है, इस मतलब टी के लिए इस दिन को डेडिकेट किया गया है। और आपके हाथ में मैंने देखे चाय के दो कप, बिल्कुल गरम गरम, इसमें से अभी वेपर निकल ही रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज से पूछ लिया जाए, चाय से जुड़ी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? बॉडी लूज करता है, पढ़ते टाइम में अगर नींद आती है तो बाकी पीने के बाद नींद थोड़ा सा कम होता है, एक अच्छा सा फील आता है बस, और कुछ नहीं। चाय तो इज लाइक लव। अच्छा, चाय के बाद प्यार है, मतलब मजा आता है। लड़की नहीं चाहिए? कभी मुझे मना नहीं किया गया। अच्छा, मेरे फादर ऐसे थे कि किसी भी चीज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया उन्होंने। अच्छा। तो मैंने चाय मांगी तो मुझे चाय मिली और फिर उसका चस्का पड़ गया और बस मैं पीता चला गया और पी रहा हूँ आज तक। शुरू शुरू में फ्रेश हम लोग फील करते हैं चाय पीने के बाद, बट जैसे जैसा अब जैसे मुझे क्या है आदत हो गई है पीने की, तो उतना भी वैसा कुछ नहीं कि फ्रेश हो जाए तुरंत, लेकिन एक पीने के बाद वैसा फ्रेशनेस तो लगता ही है। कितनी बार पीते हैं आप एक दिन में? एक दिन में मैं दरअसल क्या है कि हर चीज़ का जायका बढ़ाने के लिए पीता हूँ। अच्छा, अब फुर्सत है तो शॉपिंग कर ली। हाँ। अब फुर्सत है तो उसका जायका बढ़ाने के लिए पी रहा हूँ। कोई दोस्त मिल गया तो उसके साथ पी ली, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और किसी तरह की एसिडिटी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुझको फिलहाल। कितनी बार स्टार्ट ही किए थे? तीन चार कह रहा हूँ। कब पीते? कोचिंग जाने के पहले, बाद जब नींद आए, रात को पढ़ने से पहले। रूममेट है, कभी मैं बोलता हूँ चलो चलो चाय पीने। हाँ। नहीं, कभी ये करता है कि चल चल चाय पीने, सो रहा है पागल जैसा। दिन में वही, मतलब जब मिल जाए, जब मन हो जाए तब। वो डिपेंड करता है, कोई लोग फ्रेश करने के लिए पीते हैं, कोई लोग फ्रेश होने के लिए पीते हैं। तो मेरा नॉर्मली ऐसा है नहीं, एडिक्शन सॉर्ट ऑफ है, अब बन चुका है एज अ स्टूडेंट, जब से मैं तैयारी में घुसा हूँ तब से। जितना बार ये पीगा उतना मैं पीऊँगा, साथ में पढ़ते हैं हम लोग। सब कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं, कुल्हड़ वाली चाय में और जो ग्लास में चाय पीते हैं उसमें आपको क्या अंतर नजर आता है? देखिए, मैं राजस्थान का हूँ और राजस्थान में तो मिट्टी के अलावा कुछ है नहीं ज़्यादा, और उससे कुल्हड़ बनता है। हाँ। तो इसलिए तो वो शुरू से ही हमारी हैबिट में है।